हिंदी पाठमाला, नवीन संकल्प हिंदी पाठमाला 2। आप लोग सभी निकालिए, मैं बता दे रही हूँ। थर्ड टर्म जो एग्ज़ाम होगा इसमें चैप्टर 2, 3, 2, 3, 10, 12, 13, चुलबुली बूंद, चूहे की चतुराई, सुहानी का रिबन, सुगंध और खनखनाहट, और मेहंदी, सॉरी मेहनती चिड़िया। ये 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर जो अध्याय है, 5 अध्याय ही सिर्फ हिंदी पाठमाला से आएगा, ठीक है। और उसका जो एक्सरसाइज है ये तो आप लोगों को करना ही है। तो अभी रिवीजन होगा थर्ड टर्म का, तो मैं आज चैप्टर 2 चुलबुली बूंद पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग सभी इसको निकालिए। पहले आप लोग अध्याय को अच्छे से पढ़िए, ये आप लोग अच्छे से रीड कीजिए अच्छे तरीके से। स्पेलिंग को जहाँ जहाँ आप लोगों को प्रॉब्लम है, स्पेलिंग मतलब उच्चारण, उच्चारित जो होता है उसमें, जैसे मेघा, बादल, उसको अच्छे से याद कीजिए। म में ए की मात्रा, घ में आ की मात्रा, मेघा, जहाँ जहाँ आप लोग को दिक्कत होगा उसको अच्छे से रीड कीजिए। तो अभ्यास के लिए अभी पहले, और शब्दार्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग जैसे यहाँ मेघा, बादल, सतरंगी, 7 रंगों वाला, ये सब जो वर्ड मीनिंग है, जो मतलब शब्दार्थ जिसको बोला जाता है, उसको आप लोग अच्छा से पढ़िएगा, ठीक है। तो अभी जो है मौखिक प्रश्न, पहले इस अध्याय को, चुलबुली बूंद को अच्छे से पढ़िए, 13 और 14 पेज को। उसके बाद प्रश्न जो है मौखिक प्रश्न, उसमें देखिए चुलबुली बूंद कहाँ रहती थी, उसके साथ कौन कौन रहता था, आसमान में बूंदे किसके साथ इधर से उधर उड़ती रही। ये है मौखिक प्रश्न, मैं बोल रही हूँ, मेरे साथ साथ दोहराइए। चुलबुली बूंद कहाँ रहती थी, तो तालाब, चुलबुली बूंद तालाब में कहाँ रहती थी, तालाब में, तो तालाब में चुलबुली बूंद रहती थी। प्रश्न 2, उसके साथ कौन कौन रहता था, उसके साथ माता पिता और उसके दूसरे भाई बहन रहता था। 3, आसमान में बूंदे किसके साथ इधर से उधर दौड़ती रही, आसमान में बूंदे काले काले बादलों के साथ इधर से उधर दौड़ती रही। अभी देखिए लिखित प्रश्न जो है, तालाब में कौन कौन रहते थे, तो अपनों को लिखना है तालाब में चुलबुली बूंद अपने माता पिता और उसके दूसरे भाई बहन के साथ रहते थे। नंबर 2, लिखित प्रश्न, ठीक है, बच्चे क्या कहकर शोर मचा रहे थे, मेघा बरसो कहकर शोर मचा रहे थे। प्रश्न 3, तुम अपने मम्मी पापा के पास क्यों आना चाहोगे, ये तो एकदम इजी बात है, आप लोग क्यों जाना चाहोगे, क्योंकि आप लोगों को पता है आप लोग छोटे हो, मम्मी पापा सबसे ज्यादा प्यार करते हैं आप लोगों को, पता है ना। आप लोग बीमार होने से, कुछ भी होने से मम्मी पापा ही आप लोगों को ख्याल रखते हैं, तो मम्मी पापा मुझे प्यार करते हैं, इसीलिए आप लोग कहाँ जाओगे, मम्मी पापा के पास ही आना चाहोगे, ठीक है। इसके बाद देखो 4, प्रश्न 4, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। देखिए प्रश्न जो है, क, बूंदे भाप बनकर उड़ चली थी, 3 ठो दिया हुआ है, जो सही है उसमें टिक लगाना है। कहाँ जा सकता है, समुद्र इंद्र की ओर, सूरज की ओर, आसमान की ओर, जो सही है उसमें टिक लगाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए बूंदे बरस रही थी, कैसा बरस रही थी आप लोगों को पता होगा, इसीलिए मैं बोली कि आप लोग पहले अच्छे से रीड कीजिए, उसको पढ़ना है, स्टोरी को अच्छे से जानना है अंदर में क्या है। तर तर तर, टप टप टप, टिप टिप टिप, तो बूंदे कैसे बरस आपको पता होगा, रीड करिए उसको अपने से कीजिए, ठीक है।
ओके, बाद वर्ण की देखिए यहाँ लिखा है अनुसर्ग वाले शब्द पर लाल रंग के गोला, अनुनासिक वाले शब्द पर हरे रंग का गोला लगाना है। आप लोग दे पहचान ही रहे होंगे अनुनासिक क्या है और अनुसर क्या है। बाद शब्द की ये इम्पोर्टेंट है, पढ़िए और लिखिए कि क बूंद कैसी थी, बूंद कैसी थी। ये जो प्रश्न है क टिप टिप टिप, यहाँ लिखना है टिप टिप टिप, किसी हवा कैसी हवा बह रही थी, कैसी हवा बह रही थी ना, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, यहाँ उत्तर लिखना है। आप लोग को ये सब अभ्यास करना है, ठीक है बच्चों। कैसे पेड़ पौधे हवा में झूम रहे थे, कैसे झूम रहे थे, छोटे छोटे पेड़ पौधे हवा में झूम रहे थे। अभी घ, कैसे बच्चे शोर मचा रहे थे, मेघा बरसो मेघा बरसो, ऐसे ही बोल रहे थे ना, इसलिए शोर मचा रहे थे ऐसा करके। कैसा इंद्रधनुष निकल आया, सतरंगी, यहाँ लिखना है इंद्रधनुष निकल आया। उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आप लोगों को करना है। कैसे एक अनेक दिन, ये सब जो है ना एक उल्टा, इसको आप लोगों को पढ़ना है अच्छे से। एक का क्या होगा अनेक, उसके बाद क्या दिया है दिन रात सुबह, दिन रात सुबह है वो जो सुबह, ये भी कर सॉरी सुबह नहीं, बहुत बहुत कम, ठंडा गरम, नीचे ऊपर, धरती आकाश, ये जो है जो आप लोग अच्छे से याद कीजिए। बाद वाक्य की इसमें देखिए पाठ के अनुसार सही वाक्य पर राइट का और गलत वाक्य पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए, इसको करना है पढ़ पढ़ के आप लोगों को सही गलत का करना है। बूंद बहुत गंभीर थी, सही है या गलत, ये गलत है। वह अपने माता पिता भाई बहनों के साथ तालाब में रहती थी, ये सही है, इसलिए राइट। बूंद भाप बनकर उड़ गई, ये भी राइट। वे ऊपर जाकर खिलखिलाकर हंस रही थी, ये भी सही है, राइट। नन्हे बच्चे चुपचाप आसमान की तरफ देख रहे थे, चुपचाप देख रहे थे नहीं, गलत। चुलबुली बूंद पहाड़ पर जा गिरी, ये गलत है ना, सही, गलत। वह अपने मम्मी पापा के पास तालाब में आ गिरी, ये राइट, सही है। तो आज के लिए इतना दूर तक की, पहले आप लोगों को मैं हम होमवर्क दे रही हूँ, अच्छे से पढ़िए, चुलबुली बूंद को अच्छे से पूरा रीड कीजिए लाइन टू लाइन, उसके बाद प्रश्न को पढ़िए, ये जो है इसको सही गलत, उसके बाद ये छोटे छोटे बात शब्द की, उल्टे वाले शब्द और सही गलत, यहाँ तक पेज 17 तक मैं आज पढ़ा रही हूँ। अच्छा से आप लोग इसको अभ्यास कीजिए, ठीक है।